हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल स्वाद करने वाला। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र का फेमस स्ट्रीट फूड बड़ा पाव। इसको हम अपने ढंग से बनाएंगे। इसके लिए हम 4 बड़े साइज का आलू बॉयल कर लिए हैं, 1 प्याज। जनरली प्याज नहीं डालते यहाँ, लेकिन हम अपने स्टाइल में बना रहे हैं इसलिए एक छोटा प्याज काट लिए हैं बारीक, थोड़े से करी पत्ता, और ये अदरक लहसुन मिर्चे का पेस्ट है, और ये राई, और ये बेसन। अब हम गैस जला लेते हैं और एक पैन रख दिए। सबसे पहले हम बड़ा का जो आलू है वो बना लेते हैं, उसके बाद उसकी चटनी बनाएंगे। थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे राई और 1 पिंच हींग। और राई को तड़कने देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। प्याज पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो डालिए, नहीं हो नो मत डालिए। और इसी के साथ करी पत्ता। बड़ा में प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा प्याज हल्का सा सुनहरा हो जाता है तो हम जो मसाले ऐड करेंगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा प्याज हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब इसी समय में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, और इसी के साथ ये जो पीसा हुआ लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट है ये भी डाल देंगे। स्वाद के हिसाब से नमक। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आलू को अच्छे से सभी मसाला मिक्स करते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। देखिए, हमारा आलू अच्छे से मिक्स हो गया है मसाले में। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें ऊपर से हरी धनिया डाल देते हैं। अब थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसके गोल गोल बड़े बना लेंगे। इधर हम बैटर बनाने के लिए बेसन में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, कलर इससे बोंडा का बहुत अच्छा आता है। अब हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका एक बैटर बनाएंगे, ना बहुत ठीक रहेगा ना बहुत ज़्यादा पतला। पहले थोड़ा पानी डाल के इसको मिला लेंगे ताकि लम्स ना रहे। अगर आप महाराष्ट्र में आए हैं और बड़ा पाव नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। बड़ा पाव यहाँ का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, हमारा बैटर तैयार हो गया है। इस तरह का है, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देते हैं और आलू के गोले बना लेते हैं। ये जो आलू का मिक्स है हमारा ठंडा हो गया है, अब इसके छोटे छोटे गोल
बना लेते हैं जिस साइज का आपको पसंद हो। हम मीडियम बना रहे हैं, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। इस तरह से सारे बना करके हम रख लेंगे। इसके बाद इसको तलेंगे बेसन में डाल के। ये देखिए हम सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब इसको बेसन में कोट करके हम इसको तलेंगे। अब हम बड़ा पाव से खाने के लिए एक स्पेशल चटनी बनाएंगे, जो कि यहाँ बड़ा पाव के साथ जरूर बनता है, लाल वाली चटनी। इसके लिए गैस जला के एक पैन रख लिए हैं। थोड़ा सा तेल डाल देंगे। इसके लिए हम 2 चम्मच सूखी गरी, 5-6 लहसुन की कली और 2 चम्मच मूंगफली का दाना, ये सब लेकर के इसको हल्का सा भून लेंगे। और इसी के साथ 2 तीखी लाल मिर्च। इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए, सौंधा लगने लगे बस। वैसे तो ये चटनी बहुत तीखी होती है, लेकिन हम तीखा हम लोग कम खाते हैं, इसलिए हम 2 ही लाल मिर्च डालें और कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। इसको सूखी चटनी बोलते हैं। एक हम हरी चटनी बनाए हैं, सर्व करके आपको दिखाएंगे जब, तो और एक ये लाल सूखी चटनी। ये हमारा हो गया हल्का सा। अब इसको मिक्सी के जार में पलट लेंगे। इसी के साथ हम थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे, इसका टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास बूंदी नहीं है और आप जब बड़ा बना रहे हैं तो इसके बगल का जो बेसन रहता है उसको क्रिस्प करके वो भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको हम सूखा ही पीस लेंगे। ये देखिए हमारी सूखी चटनी बन के तैयार हो गया है। इसको निकाल लेते हैं हम एक कटोरी में। ये देखिए चटनी हमारी बन के रेडी है। अब बड़ा तलना शुरू करते हैं। अब तेल चढ़ा दिए हैं और इसमें हम अपना बड़ा तल लेते हैं बेसन में कोट करके। एक बार में 2 ही 3 डालेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएगा, इसका शेप थोड़ा बिगड़ जाएगा। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसको हम पलट लेते हैं। ये जो साइड में आप देख रहे हैं बेसन का छोटा छोटा है, इसी को आप चटनी में डाल सकते हैं। जब हम बूंदी डाले हैं जहाँ पे, उसी जगह आप इसको डाल सकते हैं। सब तरफ से सुनहरा हो जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे और फिर दूसरा बैच हम डाल देंगे। देखिए ये मेरा हो गया है तीनों। इसको निकाल लेते हैं। दूसरी बार डाल देते हैं एक बार। अब इधर हमारा बड़ा भी बन गया है, चटनी भी रेडी है। अब हम पाव में इसको असेंबल करते हैं। आइए अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। पहले पाव को बीच से कट लगा के ऐसे खोल लेंगे। इसमें पहले लगा देंगे ये लाल वाली चटनी। आ
आपकी इच्छा हो तो आप हरी चटनी भी लगा देते दूसरी साइड में, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं। इसके बीच में रखेंगे बड़ा और इसको ऐसे रख देंगे। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेते हैं, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा बड़ा पाव बन करके रेडी है। इसको हरी चटनी के साथ और ऐसे खड़े मिर्चे तल करके इसी के साथ इसको सर्व किया जाता है। आप भी एक बार घर में बना करके ज़रूर ट्राई करिए, तभी आपको इसका टेस्ट पता लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।